खुल गए 12 to 12। फाइनल मैच 12 to 12, तालियां बजाइए। काला भाग लेता दोस्तों, सर आप ये संभालो, ये तो हार अपनी जगह पर रहिए। और फैन पर है दर्शक साथियों, कालवन की तरफ से पिता धनोरी। सामने चार स्टेप पर है बिल्ला बलवेड़ा मेला पिंदर और गोली दर्शक साथियों, और ये बिल्ला को टच किया, ये सफल रहे। स्कोर हुआ 1-1। स्कोर को लिखे आप ही लिखो क्या? नहीं, बिल्कुल बैठे हैं गुरुजी, दोनों बैठे हैं। बिल्ला बलबेड़ा से सॉरी कोच जी, बिल्ला बलबेड़ा से पॉइंट लिया। फिर रेड पर रिंकू खराटी, रिंकू खराटी रेड पर दोस्तों, शांति से थोड़ा सा शांति। और ओके बिट्टा कालवन रिंकू खराटी की फाइट जारी है। और रिंकू खराटी डीपी साहब, गोली जितनी कैच लगाएगा उसका दादा पर पॉइंट 5100 रुपए देगा गोली का। धन्यवाद। फिर रेड पर दर्शक साथियों नरेश कुमार खड़, ये भी 500 रुपए की रेड है बलजीत पनियारी बॉम्बे की तरफ से। बड़े दानवीर खड़ हमारे मध्य में भाई सतपाल उर्फ सत्तू सतीश डांडा मनचा सिंह ने, जिन्होंने 1 लाख रुपए की धनराशि हमारे, और ये बिल्कुल टच किया सफल रेड। मेला बलबेड़ा से पॉइंट लिया गुरुजी, नोट करें। काला बादल पे मुकेश गुड़गांव की तरफ से 1100 रुपए, और ये 500 रुपए की रेड है बलजीत पनियारी बॉम्बे की तरफ से 1600 रुपए की रेड। बिल्कुल, और ये कट हुआ बिल्कुल, ये सफल रेड। कौन है कट, किसका किसका पॉइंट है पूछो, कट किसने मारा, कट आउट कौन हुआ रामबीर, आउट ये संदीप शर्मा, कुलदीप शर्मा आउट, कुलदीप कुलदीप आउट हुआ। और ये टीटा धनोरी, बिल्कुल 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 बिल्ला बलबेड़ा ने कैच किया इसको, टीटा धनोरी को। और ये 500 रुपए की धनराशि प्रदीप पनियारी की तरफ से बिल्ला बलबेड़ा के खाते में, शर्मा परिवार का बेटा, कौशिक परिवार का बेटा के खाते में। फिर आ गया रविंदर नैन और रिंकू खराटी, बहुत बढ़िया मैच, 12-12 का मैच होगा प्रिय साथियों। और ये गीता के द्वारा शानदार प्रवाही रिंकू खराटी को कैच किया। 12-12 का यह मैच है। रेड पर दर्शक साथियों सियार परिवार का बेटा नरेश कुमार खड़, तहसील नरवाना जिला जींद, ये भी 500 रुपए की रेड है बलजीत पनियारी बॉम्बे की तरफ से दर्शक साथियों। बिल्कुल बिल्कुल डबल टच, गोली ने हाथ किया गया जैसे अर्जुन ने मछली की आंख पे निशाना लगाया था, भाई मेरे को टच हुआ है, मैं नमन करता हूँ ऐसे सच्चे खिलाड़ी को। और ये पॉइंट मिला दर्शक साथियों कालवन जिला जींद को। फिर चला काला भागल, काला भागल शानदार खिलाड़ी, अभी कोई टच नहीं है, पूरी टूर्नामेंट में अच्छा खेला काला भागल। गुरु जी डबल टच काउंट नहीं करना है श्री गोपी, पॉइंट तो काला श्रीपाल जी। फिर चला टीटा धकोरी, हरियाणा का रिकॉर्ड है भाई, फाइनल मैच में इतनी पब्लिक आज तक किसी टूर्नामेंट में नहीं रुकी है। बिल्कुल सही कहा अजमेर जी, और रेड पर टीटा धनोरी बिल्कुल, और ये
आउट हुआ बिल्कुल नहीं बिल्ला आउट हुए पहले, बड़े साफ सुथरे हमारे ऑफिशियल के फैसले थे। राजेश कैरो की बात, दिलबाग डीपी पाई की बात है, अजय कोच बरसी की बात है, सिल्ला डीप है, रामवीर छुड़ाली की बात है, शेरी कोच की बात है, श्रीपाल की बात है और मेहर दलाल भाई जिसे मारे मुर्दे तरह सहयोग कर रहे हैं। हरे सिंदर काले ने अभी भी आप ये है खेल जैसे मत है सरियाना बाबू जी का खेल है जिनके बाप आगे फटे कर गए दिल्ली और ये है तनाव का भी दफ़ा देख का कच्चर दर्शक साथियों शानदार सिंदर कालवा और ये है नरेश कुमार खल दर्शक साथियों जिला जींद रेड पर है। 3,92,000 रुपए का ये मुकाबला फाइनल मुकाबला संसार के कई देशों में कबड्डी हरियाणा .com और 24x7 के द्वारा प्रसारित किया जा रहा है दर्शक साथियों। बिल्कुल एक स्कोर मिला नरेश खल को, अब आएगा आपका नौजवान और चहेता खिलाड़ी गुरविंदर गुरजिंदर पुनिया और काला भागल। दोस्तों बहुत ही टाइट मैच लगेगा और बड़े बधाई के पात्र हमारे खेल से और ये संदीप के द्वारा कोशिश संदीप के द्वारा शानदार पढ़ाई पीछे और बहुत चारू का चलो कच लग गई बहुत चारू का चलो पर संदीप ने 1100 रुपए मुकेश गुड़गांव के इसके खाते में चले गए। चारों स्टॉपरों को रेगरों को बाइक कैच लग चुकी है गुरुजी यही बात है नहीं चारों को और ये रविंदर गोल्डी के साथ फाइट लेकिन पॉइंट मिला कालवन जिला जींद को। बराबरी से मैच चला हुआ दर्शक साथियों अच्छा अच्छा नरेश अभी फिर चला नॉन स्टॉप चला हुआ है नरेश रिंकू खिलाड़ी रेड पर है दोस्तों नरेश नॉन स्टॉप चला हुआ भाई कोई बात नहीं सभी अच्छा खेल दिखाएंगे और ये रिंकू मिता रिंकू लेकिन पॉइंट बना रिंकू खिलाड़ी को दोस्तों महा मुकाबला चारों रेडरों में से नरेश खड़ा भी नॉन स्टॉप है रेड पर है दर्शक साथियों जी सरकार बड़े अच्छे हमारे ऑफिशियल इनके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी है। नरेश खल रेड पर है मेला बलबेड़ा बिल्ला रविंदर पिंदर और ये बिल्ला बिल्ला बलबेड़ा नरेश खल बिल्ला बलबेड़ा नरेश खल ये शर्मा परिवार का बेटा कोशिश कर रहा है दर्शक साथियों पीछे 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 कबड्डी हरियाणा .com के द्वारा सीधा लाइव चला संदीप नोरी कबड्डी हरियाणा .com के द्वारा लाइव चला हुआ दोस्तों पिछला का भागा बिल्कुल डबल टच गुड डिसीजन शिला भंडारी का बहुत बढ़िया डिसीजन डबल टच का खाना पीरियड पर दर्शक साथियों टीटा धनौरी रेड पर है टीटा धनौरी कालवन की तरफ से बिल्कुल मेला के साथ फाइट है मेला बलबेड़ा और ये पॉइंट मिला टीटा धनौरी का धनौरी कोई बात नहीं फिर आ रहा रिंकू ने 110 किलोग्राम फॉरवर्ड के खिलाड़ी ताकत पावर टकरा रही है चिंगारी उत्पन्न होना तो स्वाभाविक बात है दर्शक साथियों रिंकू मैन रेड पर है बिल्कुल फाइनल मुकाबला 96 टीमों में से 94 टीमें अपने घर जा चुकी हैं दो बेस्ट टीमों के बीच में महामुकाबले का महामुकाबला चला हुआ है और ये 95वां टूर्नामेंट है दलाल साहब 95वां मैच
हाँ मैच मैच 95 मैच 95 मैच इस टूर्नामेंट पर और 3,92,000 रुपए का एक मैच कमाल है। जितनी भी तारीफ की जाए गांव इटल कला की उतनी कम पड़ती चली जाएगी। तैयारी की तरफ से फिर 500 रुपए की रेड सिटी बॉम्बे से जड़ा हुआ है भाई रामकेश खेतड़ की बात है मनोज चाहे मुकेश ठेकेदार की बात है चाहे दर्शक साथियों संजय ठेकेदार की बात है सीधे जुड़े हुए हैं जी डीपी जाट कॉलेज जरूरत है कथ वो भी 100 रुपए की रेड लगाई है और सीधे नरेश खेतर से जुड़े हुए हैं उनको 100 रुपए भाई मितर काला लेकिन डॉक्टर संदीप शर्मा सुशील शर्मा कुलदीप राजेश सोनू सीधे खेल समिति को शुभ संदेश दे रहे हैं भाई दर्शक साथियों खेल समिति फफड़ाना खेल समिति भवानी खेड़ा विनीत देवेंद्र खेल समिति गांधरा सोनू मलिक सरपंच गांधरा सभी हरमन भाई रोड छप्पर जिला यमुनानगर खेल समिति साफ सुथरा फैसला खेल समिति तदेली रोहतक खेल समिति भी यहाँ पर बैठी हुई है सारी की सारी खेल समिति और खेल समिति खल अलीपुर जिला 25-26 और 23 तारीख को खल अलीपुर में सपना अपना डांस दिखाएगी चला रही गोखला की पूरा दोस्तों सिंदर कालवानी लंबे हाइट का खिलाड़ी दमदार खिलाड़ी कुमार खरड़ जिला टीम रेडी ऑन रेड और ये 50,000 से ऊपर की जनसंख्या का जनसमूह ठाठे मारता हुआ तालियों से सभी खिलाड़ियों को मोटिवेशन दे रहा बधाई के पात्र दानवीर कण आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथि भाई सतपाल उर्फ सत्तू बिल्कुल डबल टच कॉर्नर को टच किया पॉइंट मिला नरेश खल को हाफ टाइम का स्कोर सुनिए दिल थाम के ये गोली को टच किया जी रविंद्र गोली को शेरी कोच जी रविंद्र गोली को टच किया स्कोर सुनिए दोस्तों लगभग 4,00,000 रुपए का मैच चला हुआ है बुल्टो को मिला के कालवन का स्कोर है 14 और बलबेड़ा का स्कोर है 10 दो का चौकांतर दर्शक साथियों नरेश करण नॉन स्टॉप चला रहा है बलबेड़ा के पाले में दोस्तों अच्छी कोशिश कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती क्योंकि कोशिश स्टॉपर रनी रेडर ने भी की है। ये है काला भागल जिला का थल दर्शक साथियों ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी का बेस्ट रेडर दर्शक साथियों काला भागल गुरजिंदर पुनिया उर्फ काला भागल रेड पर है और ये मित्ता के द्वारा फाइट की जा रही है भाई मित्ता कालवन के द्वारा और ये सफल रोग है भाई काला भागल की कबड्डी हरियाणा दौड़ को और अनिश खटकर का विशेष योगदान है किसी भी टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए विधान साहब बिल्कुल बधाई के पात्र अनिश खटकर चाहे लाइटों की व्यवस्था चाहे स्टेज की है और बड़े बधाई के पात्र अनिश कुमार खटकर गांव भी खटकर डबल टच बिल्कुल एक दूसरा खिलाड़ी आउटलाइन पे चला गया था ये स्कोर मिला रेडर के खाते में और ये डबल का अलग खाना बनाया हुआ दलाल साहब किसी के खाते में नहीं जाएगा यहाँ ईटल की तटे पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा दोस्तों फिर चला बोलिए और ये सिंदर खालवन एक फाइल शेर की तरह उस पर अटैक करता हुआ लेकिन दूसरा शेर भी अपने पाले में पहुंचा टीका धनोरी सफल रेड फिर आ रहा नरेश खरण जहां लड़कियों का बहुत बड़ा गुरुकुल भी है पंजाब के नजदीक का गांव बॉर्डर के नजदीक का गांव
नरेश खरा। हिंदुस्तान की शान, हिंदुस्तान की आन, हिंदुस्तान की जान खेल कबड्डी, जिसमें 7 अक्षर होते हैं दोस्तों, इंडिया में 5 अक्षर होते हैं, उसके लिए हम दिन रात तरसते हैं और कोशिश करते हैं। बिल्कुल नरेश निकल चुका था, कोई बाधा नहीं। और हमारे एक्सीडेंट खेल मेले से लगातार जुड़े हुए हैं करमबीर सहारण, ब्लॉक समिति मेंबर वार्ड नंबर 4, गांव कोड़े खां कलायत खंड से खेल समिति को शुभ संदेश दे रहे हैं। और बलबेड़ा पंजाब से मिट्टू भी लगातार जुड़े हुए हैं, वो भी समान शुभ संदेश दे रहे हैं। ये संदीप, संदीप है इसका पीला रंग का, देखो संदीप है जी, ये पीला रंग का खिलाड़ी संदीप है जी, इसका नाम रहा कुलदीप है जी, कुलदीप पीला रंग का कच्चर, माफी चाहूंगा कुलदीप है जी, कोई बात नहीं। फिर आ रहा है कीटा डमेरी, जिसके मटकी पोरी पोरी, कुलदीप पीड़ा कीटा डमेरी, सॉरी को साहब कुलदीप पीड़ा भी बहुत अच्छा मैच लगा हुआ है और लगभग 4 लाख रुपए का फाइनल मैच, बम्बे ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में देखा जा रहा है। कबड्डी हरियाणा .com संदीप नौली, और ये फिर ट्रिपल टच, यानी एक के साथ 3 दलाल साहब, कम्बिनेशन की कमी, कोऑर्डिनेशन की कमी, तालमेल की कमी साफ नजर आ रही है बलबेड़ा टीम में। कैचर लाइन में 2 कुलदीप है जी, 2 कुलदीप, एक कुलदीप का ये लाल कच्चा में शर्मा है, एक कुलदीप ये उरला कॉर्नर है। आदीप साहब क्लियर करा दो एक बार, फिर दिक्कत ना आ जाए, दोहरा जाके क्लियर करा दो एक बार। और ये मिता कोशिश कर रहा है, और ये सफल रेड, यस गुड रेड, रिंकू थ्रेटी के द्वारा। ये पब्लिक मेरे हिसाब से जब तक यहां रुकी रहेगी, हम इस पब्लिक के आदरणीय, जब तक बुल्ट मोटरसाइकिल नहीं बांटी जाएंगी, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। क्यों जी जागलान साहब, सब सुन के जाएंगे, खुशी है सभी इलाके को, क्या आपने इतना बड़ा खेल मेला कराया। हमारे मुख्य अतिथि भी खड़े होकर मैच देख रहे, इतनी भीड़ में सत्तू संगत बना। नरेश करोल और फिर सफल नहीं, नजदीक भी नहीं है, बेकार की अपील करना बेकार है। फिर रेड पर दर्शक साथियों टीका धनौरी, 4 रेडरों में से अभी तक है नरेश कुमार, ये राजा, सॉरी राजा, राजा बलबेड़ा जी, राजा बलबेड़ा, मैच नहीं छोड़ेगा भाई कोई भी, पूरा मैच खेलना पड़ेगा। और ये सुरेश कुलदीप चांडा, कुलदीप चांडा, अभी भी मैच लग रहा है, फिर आ रहा है धनोरी, चलिए जलाल साहब चलिए, हिंदुस्तान की शान टीटा धनोरी, हर दिन हर मैच हर खिलाड़ी का नहीं होता प्रिय दोस्तों, कभी कोई अच्छा खेलता तो कभी कोई अच्छा खेलता, लेकिन टीटा दौरे अंतिम अक्षरों तक लड़ता है, ऐसा महायोद्धा है। नहीं ये आप नहीं, बिल्कुल सही मिले, आप उसको इस तरह पलट नहीं सकते, और ये बिल्कुल ये गोल्दी ने, रविंदर गोल्दी ने कैच लगाई टीटा धनोरी की, और इसके दादा ने 5100 रुपए इसके खाते में डाल दिया पर कैच, 5100 रुपए रविंदर गोल्दी है, ये रविंदर गोल्दी शेरी कोचा बैठे, कोई दिक्कत नहीं। ये है रिंकू नैन, गांव खराटी जिला जीन, सिंदर कारण कोशिश कर रहा है और लेकिन रिंकू खरेटी अंक लेने में सफल। रेडर ये रेडर नरेश हरण, बिल्कुल 1.25 लाख का बुल्ट जीतने के लिए जी जाने करना होगा विधान साहब। बिल्कुल नरेश साहब आपने सही फरमाया, और ये कोशिश कर रहे हैं चारों खिलाड़ी और दर्शक साथियों, 8 स्टॉपा, 12 के 12 खिलाड़ी जी जान से जुटे हुए हैं, दोनों तरफ से 6 खिलाड़ी, दोनों तरफ से एक तरफ 6 है, 4 रेडर, 2 4 कैचर, 2 रेडर, दूसरी तरफ भी 4 कैचर, 2 रेडर। दलाल साहब क्योंकि बोल जीतने के लिए बहुत बड़ा कलेजा और दिल और अच्छा टेक्निक और पावर, जिनके पुतों में जान हो गए असली दम तक लड़ते रहते हैं। और ये गोली, और गोली ने कैच के अंदर उस खरल को, रविंद्र रुपए इसके दादा ने खाते में डाल दिए हैं, 10,200।
पीरियड पर काला बॉर्डर। मित्ता कोशिश कर रहा है, डूब गया सिंधु में, गोता खोर लगाता दलाल साहब, यस, और जा जाकर खाली हाथ लगा पाता है, लौटा सहज न मिलते मोती उसको गहरे पानी में, लेकिन उसका बढ़ता उत्साह इसी हरानी में, मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती और कोशिश करने वाला भी कभी हार नहीं होती। गुड गुड, बहुत बढ़िया देव साहब, कीटा धनोरे, बहुत बढ़िया मैच लगा हुआ है, कमाल कर दिया, लेकिन ये सफल ने बिल्कुल बिल्कुल सही मैच चला हुआ है। पीरियड पर रिंकू खुरैती, राजेश और नदी, और ये कुलदीप चांडा, लेकिन पॉइंट मिला रिंकू खुरैती को। दलाल साहब चलिए, मेरे सहयोगी बहुत कुछ सीखने को मिला, फिर आज साथ दिया टीम अजमेर जागलान ने। अगर पब्लिक को मजा आ रहा तो जोरदार किल किया दे भाई, एक बार अजमेर तेरी मानना तो है भाई, मानने हैं तेरी रिश्तेदार है। बढ़िया मैच, फाइनल मैच, लगभग 4 लाख रुपए का मैच, ट्राई की बिल्ला ने, स्कोर मिला नरेश खरल को। पीरियड पर दर्शक साथियों काला भाग, बहुत बढ़िया, और ये मीटा को टच किया और ये सफल रेड काला भाग बिल्कुल। पीरियड पर दर्शक साथियों ईश्वर सिंह डांडा का सपुत्र है नीतू रफ्तीटा धनोरी, हिंदुस्तान हरियाणा प्रदेश का गोल्डन बॉय, रोना की धरती का, बहुत बढ़िया। गोली जितनी भी कैच मारेगा भाई इसका दादा पर कैच 5,000 रुपए देगा गोली को। 5,100 से जमा हो लिए, नेट पर मैसेज आ लिया। टीटा धनोरी दोस्तों, ये है गोली, लेकिन टीटा धनोरी सफल हुआ। पीरियड पर रिंकू नैन, गांव खराटी, तहसील जुलाना, जिला जींद, बड़ा बधाई का पात्र, तलकला खुरद, हरियाणा प्रदेश का पहला गांव जिन्होंने बुलेट मोटरसाइकिलों की प्रतियोगिता करवाने का काम किया, और बधाई के पात्र हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि भाई सतपाल उर्फ सत्तू, जिन्होंने 1,00,000 रुपए की धनराशि सफल रहे। अंतिम एक्शनों में मैच चला हुआ है, थैंक यू सर। अगर पूरी पब्लिक हमारे चीफ गेस्ट से, हमारी कमेटी से, हमारी व्यवस्था से, हमारे गांव से और इस टूर्नामेंट से खुश है तो एक और किल के आने दो भाई। इसे इसे मैच दिखा दो, इन्हें दो चार रोज बना लो, इतने अच्छे दर्शक हैं हमारे भाई। 2-4 मिनट का मैच है, आधे की गहराइयों से पूरी पब्लिक का सुरेश दलाल की तरफ से बार बार नमस्कार, इतनी जनसंख्या में इटल कला में आई, तालियां बजाइए आप अपने लिए दोस्तों। सुरेश दलाल खेल को पैनल की तरफ से, छोड़ दे पहले टच किया कुलदीप चांडा को टच किया सर, डबल टच, सिंदर कालन की गलती है ना, सेकंड ने अटैक किया है, सेकंड कोई डबल टच है, अटैक किया डबल टच है, फिर चला टीटा धनोरे जी बहुत बढ़िया मैच। मुकेश गुड़गांव आपको आनंद आ गया होगा मेरे ख्याल से, ऐसी टूर्नामेंट पहली बार देख रहे हो, एक और दिखाएंगे मैसेज छोड़ेंगे। गांधरा रोहतक में भी आमंत्रित करो इनको, और ये किसके द्वारा सिले में लगल, हाँ बिल्ला बलबेला के द्वारा, टीटा को कैच किया कोसा, बिल्ला ने टीटा को कैच किया बिल्कुल, पहले टच किया बिल्ला ने, फिर कितने का हाथ लगाओ उसको कोई मान्य नहीं होगा, और इसका फैसला हमारे सिल्ला डीपी ने दिया, बड़े बधाई के पात्र हैं। और ये सफल रहे, हाजी कैचर कौन सा
नदीम साहब लास्ट एक ग्रेड का इशारा मैं दर्शक साथियों और ये निर्णायक हो सकती है भाई। निर्णायक है भाई ये रेड दोस्तों एक ग्रेड बाकी और मैच बराबर है तालियां मारिए मैच बराबर चला लिया की यस बिल्कुल सफल रहेगा भाई नरेश खरड़ की। सुनिए सुनिए एक रेड आगे यानी एक पॉइंट कालुवन आगे लेकिन इस पे पॉइंट आ गया तो मैच बराबर रहेगा। ध्यान से मैच देखिए दूध का दूध और पानी का पानी उसके बाद फिर भी चार हो जाएगा। हाँ बिल्कुल खेल समिति और जो तीन तीन रेड देगी और जैसे करेगी क्योंकि मैच स्टार्ट पहला पॉइंट बलबेला के खाते में जुड़ता हुआ पहली रेड सफल रेड बलबेड़ा की और ये पहली रेड दर्शक साथियों कालवन जिला जींद की पहली रेड नरेश खरल है रेड पर वह दर्शक साथियों नरेश खरल अच्छा रेडर गोली को टच किया है पॉइंट मिलेगा नरेश खरल को तालियां बजा के फिर रेड पर है दूसरी रेड है काला भागल जिला कैथल में दूसरी रेड उभरता स्टार खिलाड़ी काला भागल गुरजिंदर पुनिया टॉप क्लास का टूर्नामेंट टॉप क्लास की काफी अच्छी संख्या में हमारे दर्शक भाई सिंदर कालवन को टच किया जी टॉप क्लास की टीमें टॉप क्लास के खिलाड़ी और सबसे टॉप क्लास का ऑफिशियल पैनल जिसके बगैर एक भी रेड होना असंभव है प्रिय दोस्तों। ये दूसरी रेड है भाई कालवन की तरफ से टीटा धनारी यस अरे बिल्ला बलबेड़ा कोशिश कर रहा है बिल्कुल लेकिन टीटा सफल है दो रेड कंप्लीट हुई और ये तीसरी रेड है भाई दर्शक साथियों बलबेड़ा जिला कैथल की तरफ से रिंकू खराटी रेड पर है। पांच पांच रेड में बराबर हुआ तो कमेटी से डिस्कस होगा सत्तू जी उसके बाद फैसला लेंगे आगे का निर्णय क्या करना ठीक है ओके ओके और सारी टॉप क्लास की चीजों के लिए जोरदार किलकारी आठ दो भाई एक और है पीछे द्वारा कोशिश की जा रही मित्ता कालवा और ये सफल रिंकू खराटी को स्टॉप करने का काम किया और ये रेड बराबर तीसरी रेड है शायद तीसरी रेड ठीक इधर से तीन हो चुके हैं वो तीसरी रेड नरेश खरल के द्वारा तीसरी रेड जारी बहुत बढ़िया क्या क्या बढ़िया बताए हर चीज तो बढ़िया है सबसे बढ़िया तो इटल कला है जो इतिहास रचने में कामयाब हुई सफलता पूर्वक सक्सेसफुल कबड्डी का महाकुंभ का अंतिम पांच मिनट का समय नहीं है पांच पांच रेड का टूर्नामेंट चला हुआ बाकी दूर हो जाओ और ये गोली रविंद्र गोली सफल रेड नरेश खरल की जुड़ गई है दोस्तों फिर चौथी रेड अब काला भागल का बलबेड़ा की तरफ से चौथी रेड है दलाल साहब बिल्कुल सही आप बोलिए आप बोलिए कपिल के द्वारा कैच की कोशिश है शेरी कोची कपिल था कपिल कैचर कपिल दिवसा चौथी रेड टीटा धनोरी चौथी रेड टीटा धनोरी
और ये मेला को टच किया, देख मेरी मेला को कीता है तुम्हारी फिर सपना। एक एक रेल बाकी है इस कबड्डी के महाकुंभ के अंतिम एक एक रेड। अगर रिजल्ट बराबर नहीं रहा तो रिंकू बहुत बढ़िया, राजेश कैरो दिलबाग डीपी पाई आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी। और ये मिता आउट हुआ, सिंदर कालवन आउट हुआ, इसके खाते में जाए पाले में गोली ऐसे टच